तकरीर नहीं करनी सिर्फ दो बातों का इमरान खान का शुक्रिया अदा करना है पहली चीज काम तो हमने सारे पाकिस्तान के लिए किया लेकिन मानना पड़ेगा मुझे खास दिल से जो काम किया वो कराची के लिए किया और जो मांगा कराची के लिए कभी इमरान खान से ना नहीं सुना ग्रीन लाइन बना ली है बना लो सर्कुलर रेलवे बनानी है बना लो पानी के लिए तरसा हुआ है कराची 26 करोड़ गैलन पानी का के और मनसूबा बनाना है बना लो फ्रेट कॉरिडोर बनाना है बना लो 625 अरब रुपए का तारीख में कभी ना होने वाला पैकेज कराची को देना है दे दो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो किसी एक शहर का नहीं एक जुबान बोलने वाले का नहीं एक खत्ते का नहीं एक मजहब का भी नहीं हर पाकिस्तानी का लीडर है खान है कप्तान है पाकिस्तान का कप्तान है इमरान खान है दूसरी चीज जिसको मैं खास साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे बेटे जो हैं दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए इंग्लैंड और इंग्लैंड में पढ़ाई खत्म करने के बाद एक भी दिन वो इंग्लैंड में नहीं रुके वो अपने वतन पाकिस्तान वापस आ गए क्योंकि क्योंकि उनको घर में यह बताया गया बचपन से कि दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क और दुनिया की अजीम तरीन कौम पाकिस्तान है लेकिन जो मैं पिछले एक महीने से मुल्क के अंदर हालात देख रहा था मुल्क में सियासतदानों की मंडी लगी हुई पैसे के ऊपर जमीर बिकरे हराम की दौलत से कूमतें बदली जा रही और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात के साथ समुंदर पार से एक आवाज उठती है और उसकी गूंज हमें पाकिस्तान में सुनाई देती है रातों रात वफादारियां बदलनी शुरू हो जाती हैं इतिहाद टूटने शुरू हो जाते हैं जमीर पिकने शुरू हो जाते हैं तो खान साहब मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे मेरे बेटे क्या कहेंगे कि हमें क्या सबक पढ़ाया था क्या यह पाकिस्तान है जिसकी बात करते थे लेकिन खान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज जाति तौर पर एक बाप के तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपने सिर्फ मेरे बेटों को नहीं आपने कौम के बेटे और बेटियों को दिखाया है कि एक खुददार लीडर जब खड़ा होता है तो कैसे कौम खड़ी होती है उसके साथ इस कौम में देखा है कि दो नजरियों का टकराव हो रहा है एक नजरिया कहता है हम बेकारी कौम है दूसरा नजरिया कहता है हम आजाद है हम खुद दार है हम मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया और मेरा ईमान है कि यही रमजान के महीने में जो पाकिस्तान अल्लाह ताला ने देन दी बरे सगीर के मुसलमानों को इमरान खान की क्यादत में इस कायद आजम का जो यहां पर सो रहे हैं इन कायदे आजम का ख्वाब यही इमरान खान पूरा करेगा इन ताला तला तो एक नया पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान